ए मेरे वतन के लोगो, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंड ये लाइन्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट स्टिल आई हैव ट्राइड। तो एंड येस, वेलकम बैक टू लिव लाइफ सिंपली। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ अपना नॉर्मल लंच रूटीन। आज इंडिपेंडेंस डे है और जन्माष्टमी भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं लंच में क्या बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ वो मैं सब आपको बताऊँगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो नाश्ते में मैं आज खा रही हूँ ये स्प्राउट्स। ये मैंने बॉईल करे हैं थोड़े से नमक डाल के, और इसमें मैं टमाटर और नींबू का रस ऐड करूँगी। एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है फॉर ब्रेकफास्ट। और मैं सेव डालूँगी थोड़ी सी, और ये है कोकोनट वाटर। तो ये है मेरा कंप्लीट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। तो लंच में मैं आज छोले बना रही हूँ, और ये मैंने पहले से बॉईल सोक करके रखे हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे बॉईल करने रखूँगी। और ये प्याज, अदरक और हरी मिर्ची मैंने पहले से काट रखी थी। ग्वारफली है, टमाटर है, और थोड़ा सा आटा मैंने पहले से उसन के रखा था रोटी के लिए। तो मैंने दोनों कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और अब सारे मसाले डाल रही हूँ। अदरक, हरी मिर्ची, प्याज डाल दूँगी। एक पैन में मैं छोले के लिए ग्रेवी बना रही हूँ, दूसरे पैन में मैं मटर बना रही हूँ। और जब तक दोनों बन रहे हैं तब तक मैं पूड़ी के लिए आटा लगा लूँगी। ये मैं ग्रेवी के लिए टमाटर डाल दिया है, छोले मसाला डाला है, मिर्ची है, और इसे ढक कर के पकने दूंगी। ये मेरे छोले उधर उबल रहे हैं, इधर मटर और ग्रेवी तैयार है, और इधर रोटी के लिए आटा भी उसन चुका है। और अब मैं सारे बर्तन जो पहले के हैं चाय वगैरह के, उसे मैं ड्रायर में डाल दूंगी ड्राई होने के लिए। इधर मेरी ग्रेवी भी पक चुकी है, तो इसे मैं एक अलग पैन में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। और सेम पैन में मैं ग्वारफली छौंकूँगी। आज मैं मटर की सब्ज़ी, ग्वारफली, छोले और पूड़ी बना रही हूँ। एक्चुअली मैं दो सब्ज़ी बना रही हूँ, एक शाम की भी और एक सुबह की भी। तो जब तक ग्वारफली पक रही है तब तक मैं बर्तन धो दूँगी जो भी ग्वारफली के हैं। और ये एक ओवरऑल लुक है अभी मेरे किचन का। उधर रोटी के लिए आटा लग चुका है, और ग्रेवी भी ठंडी हो गई है, तो मैं अब इसे पीस लूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो भी अगर छोले चने हैं उसे एक बार ग्रेवी डाल के वापस से उबाल लिया जाए तो उससे सब्ज़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। इधर मेरी ग्वारफली भी तैयार है। इसे भी मैं एक पैन में निकाल लूँगी, और इस कढ़ाई को भी धो दूँगी। और इधर छोले में मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के उसे भी निकाल लूँगी, और इसका कुकर भी धो दूँगी। तो ये मेरी तीनों सब्ज़ियाँ तैयार है, छोले, चने और मटर की सब्ज़ी और ग्वारफली की सब्ज़ी। और उधर मैंने तेल चढ़ा दिया है पूड़ी के लिए। तो अब मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना लूँगी। एक्चुअली आज मैंने छोले बनाए और जन्माष्टमी भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पूड़ी बनाई जाए, वरना मैं रोटी ही बनाती हूँ। तो मैं अपने लिए रोटी ही बनाऊँगी, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड के लिए आज पूड़ी बना रही हूँ। मैं पूड़ियाँ मोस्टली 5-6 एक साथ बेल के फिर तल लेती हूँ।
पूड़ियाँ अगर गोल बनाई जाए और एक जैसी बनाई जाए तो वो अच्छे से फूल जाती हैं। ये देखिए पूड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं। तो ये मेरी सारी पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं। अब मैं रोटी बनाऊंगी। मुझे सिर्फ 2 या 3 ही रोटी बनानी है क्योंकि मैं ही रोटी खाऊंगी। मेरे हस्बैंड आज पूड़ी ही खाएंगे, तो मैं फटाफट से अपने लिए रोटियाँ बना लेती हूँ। और ये मेरा कंप्लीट खाना तैयार है, पूड़ी, रोटी और तीनों सब्जियाँ। और ये है अभी मेरी किचन की हालत, जो कि बहुत ही ख़राब है। तो पूड़ी और रोटी बनाने के लिए जो भी मैंने यूज़ किया था उसे धो लूँगी पहले और ड्रायर में डाल दूँगी। उसके बाद किचन जो है उसका जो भी सामान है उसे हटा दूँगी और एक बार ड्राई कपड़े से उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद एक गीले कपड़े से उसे अच्छे से क्लीन करूँगी। मैंने एक क्लीनिंग सॉल्यूशन बना के रखा है जिसको मैंने पहले भी मेंशन किया था, उसे मैं अच्छे से हर जगह स्प्रेड कर दूँगी और पूरे प्लेटफॉर्म को एक अच्छे से वाइप ऑफ कर दूंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी माइक्रोवेव वगैरह हैं और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसको हम एक बार अच्छे से पोंछते हैं रोज़, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डर्ट जमा होने लगती है। और अब ये मेरा प्लेटफॉर्म साफ़ हो चुका है, मैं सारे बर्तन को वापस वैसे ही जमा दूंगी। सिमिलरली मैं थर्ड पार्ट जो है प्लेटफॉर्म को उसको भी ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। तो ये है एक मेरा नॉर्मल लंच और क्लीनिंग रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने जन्माष्टमी पर क्या बनाया अपनी फैमिली के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। बाय।